बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन के जरिए मिलती रहें। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू, इट मीन्स मुझे हमेशा आप जैसा खावंद चाहिए था। आई रिपीट अगेन, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू, यानी मुझे हमेशा आप जैसा खावंद चाहिए था। वेयर विल यू शॉप फॉर अ वेडिंग, इट मीन्स शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। आई रिपीट अगेन, वेयर विल यू शॉप फॉर अ वेडिंग, यानी शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। How much was spent in marriage? It means शादी में कितना खर्चा हुआ। I repeat again, how much was spent in marriage? यानि शादी में कितना खर्चा हुआ था। I am happy because my fiance is very understanding. It means मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा मंगेतर समझने वाला है। I repeat again, I am happy because my fiance is very understanding. I cannot go against my family to marry you. It means मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। अहमद clearly refused to get married. It means अहमद ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। I repeat again, अहमद clearly refused to get married. यानि अहमद ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। He employed with one of his mates. It means इसने अपनी मुलाजमा के साथ भागकर शादी कर ली। I repeat again, he employed with one of his mates. इसने अपनी मुलाजमा के साथ भागकर शादी कर ली। I am still single or unmarried. मैं अभी कंवारा हूँ। I repeat again, I am still single or unmarried. It means मैं अभी कंवारा हूँ। I am married. It means मैं शादीशुदा हूँ। I repeat again, I am married. यानि मैं शादीशुदा हूँ। Married means शादीशुदा। We are on bride's side. It means हम लड़की वाले हैं। I repeat again, we are on bride's side. It means हम लड़की वाले हैं। I want to propose her to marry me. It means मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। I want to propose her to marry me. यानि मैं इससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। When will you get married? It means शादी कब करोगे। I repeat again, when will you get married? यानि शादी कब करोगे। My fiance is really a nice person. यानि मेरा मंगेतर एक अच्छा इंसान है। I repeat again, my fiance is really a nice person. यानि मेरा मंगेतर एक अच्छा इंसान है। He is my fiance. It means वो मेरा मंगेतर है। I repeat again, he is my fiance. वो मेरा मंगेतर है। She is my fiance. It means वो मेरी मंगेतर है। मैं सब बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन के जरिए मिलती रहें। आई गॉट मैरिड, इट मीन्स मेरी शादी हो गई। आई रिपीट अगेन, आई गॉट मैरिड, यानी मेरी शादी हो गई। I am getting engaged by the next month. It means अगले महीने मेरी मंगनी हो रही है। I am getting engaged by the next month. It means अगले महीने मेरी मंगनी हो रही है। I have got engaged. It means मेरी मंगनी हो गई है। I repeat again, I have got engaged. यानि मेरी मंगनी हो गई है। मेरे
सॉरी मैरिज हैज़ गॉट फिक्स्ड, इट मीन्स मेरी शादी पक्की हो गई है। आई रिपीट अगेन, मैरिज हैज़ गॉट फिक्स्ड, यानी मेरी शादी पक्की हो गई है। इट्स अ मेहंदी सेरेमनी एट होम टुडे, इट मीन्स आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है। आई रिपीट अगेन, इट्स अ मेहंदी सेरेमनी एट होम टुडे, यानी आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है। आई एम गोइंग टू बी मैरिड टुडे, इट मीन्स मेरी आज शादी है। आई रिपीट अगेन, आई एम गोइंग टू बी मैरिड टुडे, यानी मेरी आज शादी है। इट इज़ माई एंगेजमेंट टुमारो, इट मीन्स कल मेरी मंगनी है। आई रिपीट अगेन, इट्स माई एंगेजमेंट टुमारो, यानी कल मेरी मंगनी है। एनीथिंग स्पेशल, कुछ खास है। आई रिपीट अगेन, एनीथिंग स्पेशल, यानी कुछ खास है। देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी, इट मीन्स मेरे लिए एक रिश्ता आया है। आई रिपीट अगेन, देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी, यानी मेरे लिए एक रिश्ता आया है। What kind of family are you looking for? It means कैसा रिश्ता देख रहे हैं। I repeat again, what kind of family are you looking for? यानी कैसा रिश्ता देख रहे हैं। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे थे पब्लिक एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं सब बहन भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन के जरिए मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग पब्लिक एकेडमी।